अलैकुम दोस्तों, क्या हाल। कहानी आंटी कहानी के साथ हाजिर। आज की कहानी है एक मोटे ताज़े आलू के बारे में। आलू किस किस को पसंद है? मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आलू जैसी तो कोई सब्ज़ी है ही नहीं, इतनी दोस्ती वाली सब्ज़ी है, हर चीज़ से दोस्ती कर लेती है, हर तरह की सब्ज़ी से, हर तरह के गोश्त से। मैं तो कहती हूँ भाई, जिसको आलू नहीं पसंद ना, मुझे तो वो बंदा ही नहीं पसंद। आज आपको एक मोटे ताज़े आलू की कहानी सुनाती हूँ। और इस कहानी की मुसन्निफा हैं ज़हरा नासिर और मुसव्विर हैं फैज़ान अहमद। अहमद किसान ने ज़मीन खोदी और इसमें आलू डाल दिया। आलू जल्दी उगो और बड़े उगो, उसने कहा। आलू का पौधा बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। मेरे ख्याल में अब ये खाने के लिए तैयार है, अहमद किसान ने कहा। मैं तो इससे समोसा बनाकर खाऊंगा। उसने आलू बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन आलू तो टस से मस ना हुआ। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, उसने अफसरदगी से कहा और फिर अपनी बीवी को मदद के लिए बुलाया। मैं तो इससे आलू की भुजिया बनाऊंगी, किसान की बीवी ने कहा। बीवी ने किसान को खींचा और किसान ने आलू को, लेकिन आलू तो फिर भी ना हिला। ये तो बहुत ही बड़ा है, बीवी ने कहा। बीवी ने बच्चों को आवाज दी, बच्चों जल्दी आओ, हमारी मदद करो। अगर हमने मदद की तो हमें आलू की चिप्स मिलेंगी, बच्चों ने बड़ी उम्मीद से पूछा। बच्चों ने बीवी को खींचा, बीवी ने किसान को खींचा और किसान ने आलू को, लेकिन आलू फिर भी ना हिला। उन्होंने तंग आकर कहा, ये तो बहुत ही बड़ा है। बच्चों ने पड़ोसियों को आवाज देकर बुलाया, हमें आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप हमारी मदद करेंगे। पड़ोसी फौरन मदद के लिए भागे चले आए, लेकिन साथ ही बोले, हम तो आलू की चाट खाएंगे। पड़ोसियों ने बच्चों को खींचा, बच्चों ने बीवी को खींचा, बीवी ने किसान को खींचा और किसान ने आलू को, लेकिन आलू तो फिर भी ना हिला। उफ, ये तो बहुत ही बड़ा है, सब थक हार कर बोले। पड़ोसियों ने मदद के लिए पुलिस वाले को बुला लिया। मैं तो आलू का पराठा खाऊंगा, पुलिस वाले ने कहा। पुलिस वाले ने पड़ोसियों को खींचा, पड़ोसियों ने बच्चों को खींचा, बच्चों ने बीवी को खींचा, बीवी ने किसान को खींचा और किसान ने आलू को खींचा। और फिर काफी जोर आजमाई के बाद एक जोरदार झटके के साथ आखिरकार आलू बाहर निकल आया। आलू इतना बड़ा, मोटा, ताजा और भारी भरकम था कि उन्होंने उसकी भुजिया, आलू के चिप्स, आलू चाट और आलू के पराठे सभी कुछ बना लिया और अहमद किसान को उसके हिस्से का समोसा भी मिल गया। आपने देखा है कभी इतना बड़ा आलू? जनाब,